एंड गेट के बारे में बात करेंगे, एंड गेट कैसे होता है और क्या काम करता है ये, ठीक है। तो जैसे एंड गेट ये ऐसे होता है, ठीक है, ये दो इनपुट हैं इसके, ठीक है, और एक ये आउटपुट है, ठीक है। सपोज दैट ये इनपुट ए है या बी है, जो भी है, ठीक। तो अभी क्या है, हम बात करेंगे इसके बारे में कि ये कैसे कैसे काम करता है, और इसके बाद हम इसका बिल्कुल सेम टू सेम लॉजिक जो है वो पीएलसी में बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ये सपोज दैट हो गया ए, इसकी टेबल ऐसे बनेगी कुछ, ठीक है। तो टेबल ऐसे बनेगी इसकी, 0 0, अगर 0 0 आया तो आउटपुट क्या आएगा, 0। 0 1 आया तो आउटपुट क्या आएगा, 0। और 1 0 आया आउटपुट क्या आएगा, 0। और अगर ये आया है हमारा 1 1, तो आउटपुट आएगा हमारा 1, ठीक है। तो यहाँ पे होता है ए एंड बी, अगर ए और बी दोनों एक हैं तो हमारा ये करता है, ठीक है, ये 1 होगा और ये 1 होगा, तब हमारा 1 होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका। अब अगर हम बात करें इसका, जैसे ये अगर हम इसकी सर्किट में बात करें कि सर्किट में ये कैसे काम करता है, ठीक है, तो सर्किट में ये ऐसे काम करता है, जैसे सपोज दैट यहाँ एक जो है, सॉरी इसको हम उठा देते हैं, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है एक स्विच, और एक यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, और यहाँ जो है एक बल्ब लगा हुआ है, और ये होगी एक बैटरी, ठीक है, ऐसे। तो जब ये वाला स्विच ऑन होगा, ये वाला, तो इस केस में क्या है, ये अगर ये वाला स्विच ऑन है तो उस केस में ये जो है हमारा अभी भी बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। और अगर मेरा ये वाला स्विच जो है, ये वाला ऑफ हो जाता है, ठीक है, ये वाला ऑफ है बट ये वाला स्विच ऑन है, तो अभी बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब जलाने के लिए क्या है, ये दोनों स्विच ऑन करने होंगे, तब हमारा बल्ब जल जाएगा, ठीक है। नॉर्मल ऐसे ही काम करता है, ये बैटरी है और ये दोनों स्विच ऑन है, तब हमारा बल्ब जल जाएगा। अब इसको सेम लॉजिक को हम लिखेंगे पीएलसी में। पीएलसी में कैसे लिखते हैं, पीएलसी में लिखते हैं हम ऐसे, जैसे एक्स अगर हम इसको पीएलसी में लिखेंगे, हम इसको पीएलसी में ऐसे लिखेंगे, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर थोड़ा सा हैंग हो रहा है, ठीक है, चलिए पीएलसी में लिख लेते हैं इसको। अभी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ये मेरा सॉफ्टवेयर सही से काम करेगा, तब हम इसको, ये सब जब मैंने एक इनपुट ले लिया, एक ये इनपुट ले लिया, और यहाँ से आउटपुट लेके, ये आउटपुट लिया मैंने, ये हाई करा दिया, जैसे सपोज दैट ये x0 है और ये है मेरा x1, तब जाके ये मेरा सपोज दैट ये y0 है, आउटपुट ये हाई होगा। अगर ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, तभी ये हाई होगा, ठीक है। बात करते हैं एक्स